तो अब जलेबी बननी शुरू हो रही है यहाँ पे। ये है खमीर, भैया जरा बताओगे इसको किस तरीके से बनाना होता है? दो से तीन दिन रखने से इस प्रकार का बन सकता है। दो से तीन दिन तक नहीं रखेंगे तो ऐसे नहीं बनेगा। ये देखो अच्छा, ये ऐसे हो रहा है। अगर तुरंत बनाओगे ऐसा नहीं होगा। लो भाई, एक साइड ये पक चुकी है, अब दूसरी साइड पलट रहे हैं इसको। एक मिनट हो चुका है एक साइड पकते हुए। हे गाइस, वेलकम बैक टू वैनम फूडी। आज मैं आ रहा हूँ विक्रम स्वीट्स में। ये 40 साल पुरानी दुकान है जहाँ पे आप समोसे, ब्रेड पकौड़े, जलेबी, कचौड़ियाँ, सौंठ की चटनी, इन सब आपको यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। काफ़ी अच्छा यहाँ का टेस्ट है। काफ़ी भीड़ होती है शाम के टाइम पे। अभी हम यहाँ पे आ रखे हैं सुबह के टाइम पे। शुरू करने से पहले वीडियो आपको यहाँ का एड्रेस बताया तो सामने है यहाँ पे गुजरात भवन, उसके जस्ट सामने है अशोका होटल, वहीं से आप सीधा अंदर आएंगे। सामने इनकी ये शॉप है, 40 साल पुरानी शॉप है। कैटरिंग का भी काम करते हैं। अगर आपको इनसे कुछ काम है कैटरिंग का या मैरिज पार्टी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है। तो चलिए अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब जलेबी बननी शुरू हो रही है यहाँ पे। ये है खमीर, भैया जरा बताओगे इसको किस तरीके से बनाना होता है? इसको क्या कहते हैं, मैदे को पानी में घोल के रखना है दो से तीन दिन। पानी में घोल के रखना है मैदे को दो से तीन दिन। ये कितना किलो मैदा है? ये करीबन होगा 1.5 kg। 1.5 किलो मैदे में कितना आपने पानी डालना है? 2 लीटर पानी डाला है। 2 लीटर पानी डालकर उसे छोड़ देना है 2 दिन के लिए। हाँ जी। उसमें कुछ मसाले वसाले कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं डालना होता। तो 2 दिन मैदे को आपने छोड़ देना है और ये बन जाएगा आपका ऐसा खमीर। खमीर बन जाएगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या भैया इसमें? इसमें क्या कहते हैं, और पानी लगेगा और मैदा डालेगा, फिर उसके बाद जलेबी बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब डाल रहा है सूखा मैदा 2 kg। इसमें 2 किलो पानी डलेगा? हाँ जी, डल गया, मतलब 2 लीटर इसमें पानी डल गया। हाँ जी। और इस खमीर को ऐसे मिलाएंगे, मिलाने के बाद इसमें सूखा मैदा डाला जाएगा। ठीक है, खमीर को मिलाने के बाद इसमें सूखा मैदा डालना पड़ेगा। कितने किलो मैदा भैया ये? ये कभी होगा 2.5 kg। 2.5 किलो मैदा और डाला है। हाँ, और पहले ये वाला कितना था जो हमने ये बनाया था? वो भी 1.5 kg था। 1.5 किलो और 2.5 किलो, यानी कि टोटल हो गया आपका 4 किलो मैदा। हाँ जी। तो खमीर बनाने के बाद आपने उसमें पानी भी डालना है और फिर सूखा मैदा डालना है। हाँ जी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और डाल के ये हो गया टोटल 2.5 किलो। टोटल हो गया ना भैया 2.5 किलो? ये ज्यादा हो गया, 4 किलो हो गया। अब सूखा मैदा हो गया 4 किलो। हाँ जी। ठीक है, तो 4 किलो सूखा मैदा, 1.5 किलो आपका खमीर। हाँ जी। और 1.5 किलो में 2 लीटर पानी पहले से था। हाँ जी। और 2 लीटर बाद में 2 लीटर अभी और डाला। हाँ जी। तो इस तरीके से बनती है जलेबी। ये सीक्रेट रेसिपी है, कोई शॉप वाला आपको नहीं बताएगा कभी भी, वो डायरेक्टली आपको वहीं पे सिखाते हैं उसी टाइम बना के, वैसे नहीं बनता। ये खमीर वाला सिस्टम तो मुझे आज पता चला पहली बार। तो इसको अच्छे से मिलाना भैया? हाँ जी, मिलाने के बाद तैयार हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये इसको बनाने के बाद छोड़ना भी होता थोड़ी देर? नहीं जी, सीधा जलेबी बनेगा। सीधा जलेबी बनेगी। ठीक है, इसमें कुछ मिलाना मिलाना कुछ नहीं? अभी कुछ नहीं मिलाना। ठीक है, और ऐसे कितनी देर तक करना है? बस जब तक इसमें जो है ना गांठ, ये गांठ खत्म हो जाएगी। अच्छा। हाँ, जब तक इसमें लम्स पूरे गायब ना हो जाए, ये गांठे जो होती है। हाँ जी। ये खत्म ना हो जाए, बिल्कुल मुलायम सा ना बन जाए। तो चलिए भैया को इसे करने देते हैं, जब ये फाइनल बन के रेडी हो जाएगा तब आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगा। अंकल जी, जो आपने खमीर बनाई है, 2 दिन मैदा को जो मतलब सड़ा है एक तरीके से, 2 दिन तक रखा है, किस लिए करा जाता है ये? अगर ये हम खमीर को नहीं सड़ाएंगे तो जलेबी हमारी सही नहीं बनेगी। इसमें सफाई आती है, चाशनी उठाती है, ये साफ सुथरा जलेबी बनती है, तो ये खस्ता बना जाता है। इसलिए जलेबी खमीरा लगा के रखना पड़ता है 1 दिन से 2 दिन तक। जितना जरूर पड़े उतना यूज करो, जितना जरूर पड़े उतना यूज करो, ताज़ा मैदा लगाओ, रोज बनाओ, रोज बनाओ, खराब नहीं होता। ठीक है, तो खमीर बनाना जरूरी है। हाँ, हमारा ये तैयार हो गया। तो इन शॉर्ट अंकल जी ये बताना चाह रहे थे, इसमें खिलावट अच्छी आती है, क्रिस्पी बना अच्छा आता है, टेस्ट अच्छा आता है और फुलावट भी बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए सफाई आती है और खमीर इसलिए बनाया जाता है। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी आप बना सकते हो, ये देखो इस तरीके का, दो से तीन दिन रखने से इस प्रकार का बन सकता है। 2 से 3 दिन तक नहीं रखेंगे तो ऐसे नहीं बनेगा। ये देखो अच्छा, ये ऐसे हो रहा है। अगर तुरंत बनाओगे ऐसा नहीं होगा। समझ गया ये चीज। तो ये है सीक्रेट रेसिपी भैया। तो ये बन के रेडी है भैया? हाँ जी, रेडी है जी। चलिए अब चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ, बनाते हैं इसको। तो भाई यहाँ पे जलेबी की चाशनी बन चुकी है, गर्म हो रही है। घर के हिसाब से मैं आपको बताया था, इसके हिसाब से बताऊंगा तो आप मेजरमेंट नहीं कर पाओगे। घर पे जब आप 1 लीटर पानी लोगे तो इसमें 300 ग्राम आपने चीनी डालनी है और कंटिन्यू चलाना है 5 से 6 मिनट। आपकी चाशनी बन के रेडी है। बस जलेबी की जो चाशनी होती है वो 5 से 6 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम चीनी 5 मिनट तक उबालना है। जब तक चीनी गल ना जाए उसको कंटिन्यू चलाते रहना है। जब वो गल जाए उसके बाद छोड़ देना, 6 मिनट मैक्सिमम उसे मतलब तेज आंच में पकाना, आपकी चाशनी बनके रेडी है। तो अब यहाँ पे जलेबी बन रही है और यार ये शेप तो कोई आपको ऐसे नहीं सिखाएगा, प्रैक्टिस से ही आएगी। भैया तेल बता दो कि कितना गर्म रखना है? फुल गर्म, तेज फुल गर्म में से डालना है। ठीक है,
तेल आपको फुल गर्म रखना है फुल आंच पे। और ये जो शेप है भाई ये तो प्रैक्टिस से ही आएगी, ऐसे तो कोई आपको सिखा नहीं सकता हाथ से। गरम होना चाहिए, तेल होना चाहिए फुल गर्म। हाँ जी, गैस कम हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तेल गर्म होना चाहिए, बेशक से गैस मतलब कम हो, पर पहले आप तेल को फुल गर्म कर लेना। ले लो, देखो बनाते समय तुरंत ऊपर आ रही है, इतना तेल गर्म होना चाहिए। ठीक है, मतलब डालते ही ऊपर आ जाए इतना गर्म होना चाहिए। अब एक साइड पकाएंगे फिर भैया दूसरी साइड। ये कितना टाइम लेता है एक साइड पकने में? एक मिनट में दो मिनट में आपकी जलेबी बनके रेडी है। एक मिनट में एक साइड, एक मिनट में दूसरी साइड। लो भाई एक साइड ये पक चुकी है, अब दूसरी साइड पलट रहे हैं इसको। एक मिनट हो चुका है एक साइड पकते हुए, तेल आपने गर्म रखना है बस, ये याद रखना। तो आज आपको सीक्रेट बता दिया है खमीर कैसे बनता है, कैसे उसे बनाया जाता है। चैनल को लाइक करो, सॉरी मतलब वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। तो चलिए इसे दोनों तरफ से होने देते हैं, फिर उसके बाद ये चाशनी में डालेंगे। दोनों तरफ हो गई है, हो चुकी है ना, तो ये ऑलमोस्ट हो चुकी है, पक चुकी है और ये चाशनी में डाली जा रही है। बस डालने के बाद इसे खाओ, एंजॉय करो। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।